सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जो कि हमारे हेयर्स को पूरी तरीके से तहस नहस कर रही है दिन ब दिन। और अगर आप भी उन्हें फॉलो कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी फॉलो मत करना, तभी ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 300 लाइक्स का। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि अभी टाइम चल रहा है सर्दियों का, तो इसमें लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी से नहाते, ठंडे से तो कोई नहीं नहाता ना भाई। बट यहाँ पर मिस्टेक क्या हो जाती है कि वो अपने हेयर्स को भी वॉश कर लेते हैं उस ही गर्म पानी से। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, तो उससे पहले नुकसान तो जान लीजिए। गर्म पानी से अपने हेयर वॉश अगर आप करते हो तो आपको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं? ड्राई स्कैल्प हो जाता है, ड्राई हेयर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डैंड्रफ हमारे हेयर्स पर बहुत ज़्यादा होने लगता है। आपने देखा होगा सर्दियों में बहुत से लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है, तो वो काफ़ी इसकी वजह से भी झेलनी पड़ती है। और कुछ लोगों को वैसे भी प्रॉब्लम डैंड्रफ की होती है, जब वो स्टाइल नहीं होते तो लड़के स्टाइल करते और फिर वो टूटने भी लग जाते हैं। तो यार, अगर आप भी गर्म पानी से अपने हेयर्स को वॉश करते हो तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो भाई, अब क्या हम ठंडे पानी से वॉश करें? नहीं, ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ठंडे पानी से वॉश करोगे सर्दियों में, सीधी सी बात है, आपको जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम होगी और फिर आप बीमार पड़ जाओगे, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी से आपको अपने हेयर्स को वॉश करना है, जिससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम भी ना हो। गुनगुने पानी से मेरा मतलब गुनगुना पानी ही है, बस हल्का सा कांटा आपको लगाना है, इतना गर्म आपको करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया, बोल रहे हो गुनगुना और फिर बाद में हेयर्स खराब हो जाए, फिर बोलो राहुल भाई ने तो बोला गुनगुना पानी, तो भैया हल्का कांटा मारना है बस पानी में, गर्म कर दिया और बोल रहे हो गुनगुना है, मजा आ रहा है। देन बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, कैप। अगर आप भी कैप्स के शौकीन हो, आप डेली कैप्स या हैट्स पहनते हो, तो ये अगर आप सही तरीके से इन्हें यूज़ ना करो, सही तरीके से ना पहनो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है आपके हेयर्स के लिए। अब कैसे, अगर आप कैप बहुत ज़्यादा टाइट पहनते हो या बहुत लंबे टाइम के लिए पहनते हो, यानी कि 7-8 घंटे तक लगातार आपने पहन के रखी है, तो ये आपको शॉर्ट टर्म में तो प्रॉब्लम नहीं देगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। जैसे कि क्या, आप अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए कैप पहन के रखते हो, वो भी डेली, तो उससे आपकी हेयर ग्रोथ आप नोटिस करोगे कि बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। ये चीज़ मैंने पर्सनली खुद नोटिस करी थी। 2017 में मैंने अपना हेयर ट्रिम करवाया था, पूरा का पूरा हेयर ट्रिम करवाया था मैंने अपना, और उसके बाद मैं डेली कैप लगा कर रखता था, और उससे जो मेरी हेयर ग्रोथ स्लो हुई थी भाई साहब, कह नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा लेट मेरी हेयर ग्रोथ हुई थी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप कैप ना पहन कर रखें, थोड़े थोड़े टाइम में अपने हेयर्स को खुला भी छोड़े, उन्हें भी भाई ऑक्सीजन की ज़रूरत है आपकी तरह। और साथ ही साथ क्या, जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट कैप पहनते हैं उससे बालों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, काफ़ी बार बाल खिंच भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं, तो ये आपके हेयर्स को धीरे धीरे फिर खराब करने लग जाता है। क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टाइट कैप पहनो ना, तो उससे स्वेटिंग भी होती है। आप किसी और की स्वेटी कैप पहन रहे हो जिसमें पसीना लगा हुआ है उसका, और अगर उसे कोई हेयर प्रॉब्लम हुई ना, तो वो आपको भी हो सकती है। बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, जुकाम की तरह एक से दूसरे को हो जाती है, तो इसीलिए भैया कैप तो अपनी ही पहने और क्लीन ज़रूर पहने। अगर आप क्लीन नहीं पहनोगे तो आपके स्कैल्प पर बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी और आपके हेयर तहस नहस हो जाएंगे। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन सन एक्सपोजर। अगर आप भी सन एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा रहते हो तो आपके बाल बिल्कुल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके असली जलवे आपको देखेंगे समर्स में, भाई बाल टेढ़े मेढ़े तक हो जाते हैं यार, आपने देखा होगा। ये मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता था जब मैं स्कूल पढ़ा करता था, तो उस टाइम पर हम घर आते थे छुट्टी के टाइम, तो बहुत ज़्यादा धूप होती है दिल्ली में, आपको पता होगा, तो वो बिल्कुल सर पर लगती थी, तो हेयर जो होते हैं वो पूरे के पूरे डैमेज हो जाते हैं। इससे बचने के लिए लोग कैप यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है हमारे समर्स में भी और विंटर्स में भी हमारे हेयर्स को बचाने के लिए। बट वही चीज़ आती है कि अगर आप कैप बहुत ज़्यादा देर तक पहनोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा एक खराब चीज़ हमारे लिए बन जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ खराब होती है। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि धूप अपने सर पर बिल्कुल पड़ने ही नहीं देनी, सन एक्सपोजर में हमारे हेयर्स का जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बट वही लिमिट के अकॉर्डिंग है ना। तो बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट हैबिट के बारे में, जो कि मैं खुद पर्सनली ये गलती कर रहा था, जो कि थे हमारे, जो मेरी ये फोरहेड की हेयर लाइन ऊपर चली गई थी और बेबी हेयर्स काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, तो अब डेली सैलून में जाकर तो उन्हें ठीक नहीं करवा सकते जब भी वो ग्रो होते। तो मैंने क्या करना स्टार्ट करा, मैं खुद ही ट्रिमर यूज करने लगा उन पर, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, आज 2 हेयर्स आ गए, फिर कल 3 हेयर्स आ गए, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो हेयर लाइन और भी ज्यादा ऊपर जाने लगी। और फिर उसके बाद जाकर जब मुझे ये चीज लगने लगी तो मैंने वैक्स बीन्स का यूज करना स्टार्ट करा, बट फिर एंड में जाकर मैंने अपने हेयर्स को ग्रो ही करा, और लास्ट सॉल्यूशन यही होता है भाई। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हल्का सा ट्रिमर ऊपर गया, आपके पूरे हेयर साफ हो जाएंगे और बहुत दुख होगा। तो इसलिए ये गलती भाई बिल्कुल भी मत करना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और वैक्स बीन्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बस गाइस, इतना था आज की वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए उस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।